क्या आप लोगों ने कभी ऐसा अनुभव किया है कि आप जो काम आज कर रहे हैं वह पहले भी कर चुके हैं? जी हाँ, आप में से कई सारे लोगों ने इस चीज को अनुभव जरूर किया होगा। तो आखिर ऐसी चीजों के पीछे क्या रहस्य हो सकता है? हमें ऐसा क्यों अनुभव होता है कि हम इस जगह पर पहले भी आकर यही काम कर चुके हैं, लेकिन अगले ही पल आपके दिमाग में आता है कि आप तो यहाँ पहली बार आ रहे हैं। तो चलिए मान लीजिए, आप अपने दोस्तों के साथ किसी जगह बैठकर मस्ती कर रहे हैं और अचानक से आपको यह लगने लगता है कि यह सब चीज आप पहले भी कर चुके हैं। उस वक्त के आसपास होती हुई हर एक घटना या छोटी से छोटी बात भी आपको फिर से होती हुई महसूस होती है। ये अनुभव सिर्फ कुछ समय तक ही होता है, उसके बाद ये अनुभव होना बंद हो जाता है। तो आखिर ये है क्या और होता क्यों है? क्या इसका कोई नाम है? जी हाँ, इस चीज को देजा वो कहा जाता है, जो कि एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है कि पहले से देखा हुआ। जो लोग इसे महसूस करते हैं उन्हें लगता है कि ये चीजें पहले भी हो चुकी है या फिर पहले भी देखी है। वो नहीं जानते कि ऐसा कब हुआ था या कब देखा गया था, लेकिन दिमाग में इससे पहले भी कभी देखा होने का अनुभव होता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं किसे होता है डेजा वू। ये एक कॉम्प्लेक्स घटना है और ये क्यों होता है इसके कई सारे सिद्धांत हैं। पूरी दुनिया में 90% लोग डेजा वू को महसूस करते हैं। 8 से 9 की उम्र वाले बच्चों यानी कि छोटे बच्चों को ये महसूस नहीं होता है। इन सब में से जिनकी आयु 15 से 25 साल के बीच में है उनको ये अनुभूति सबसे ज्यादा होती है, इसलिए ये इंसानी दिमाग से जुड़ी हुई चीज है। तो चलिए देखते हैं ऐसा आखिर क्यों होता है। हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ा सर्किट बॉक्स होता है, इसमें ढेर सारे अलग अलग कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। एक कंपार्टमेंट है जो हमारी यादों को संभाल कर रखता है, एक हिस्सा हमें डिसीजन लेने में मदद करता है, कोई हिस्सा हमारे इमोशन संभालता है, तो कोई हिस्सा हमारे दिन भर के कामों का लेखा जोखा रखता है। डेजा वू के केस में खेल इस याददाश्त वाले और प्रेजेंट देखने वाले हिस्सों का है। अगर देखा जाए तो दिमाग भी तो एक मशीन ही है, कभी कभी सब मिक्स हो जाता है। यानी हम कोई जगह अपनी आँखों के सामने देख रहे हैं, दिमाग का प्रेजेंट वाला हिस्सा खुला हुआ है लेकिन यादों वाला हिस्सा भी बंद नहीं हुआ है, दोनों हिस्से खुले रह गए। बस हमारे दिमाग को लगता है इस जगह या इस घटना को हम यादों वाले बॉक्स से निकाल रहे हैं। दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, जो अभी पहली बार देखा उसको भी पुरानी यादें समझ लेता है, जबकि वो यादों का हिस्सा होता ही नहीं है। बस दिमाग की थोड़ी सी कंफ्यूजन का नतीजा होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि साइंटिस्ट के हिसाब से क्या है ये डेजा वू। ज्यादातर लोग अक्सर डेजा वू को भविष्य से संबंधित चीज मानते हैं। उनका कहना है कि इसके जरिए भविष्य में आगे क्या होने वाला है इसके बारे में हम समझ सकते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि डेजा वू हमारे दिमाग में इकट्ठा हुई यादों का नतीजा है। डेजा वू के वक्त हम जिस जगह पर होते हैं उस वक्त हमारा दिमाग हमारे आसपास घटित हो रही सभी यादों को प्रकाशित कर देता है। यह सब यादें अलग अलग जगहों से प्राप्त हुई होती है और हमारे दिमाग में अलग अलग जगह पर इकट्ठा हुई होती है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इसका कोई पुराने जन्म से नाता है। तो चलिए देखते हैं क्या इसका है कोई पुराने जन्म से नाता। कुछ लोग यह मानते हैं कि यह पिछले जन्म में हुई घटनाओं का नतीजा है जो हमें इस जन्म में महसूस हो रहा है। कुछ लोग इसे भगवान से संबंधित अनुभव मानते हैं। उनका मानना है कि भगवान कुछ घटनाओं का उनके होने से पहले ही खुलासा कर देते हैं। लेकिन आज तक डेजा वू क्यों होता है इसका कोई परफेक्ट रीजन पता ही नहीं चला है और ये आज भी एक रहस्य ही है। कुछ कुछ लोग तो डेजा वू की वजह से डर भी जाते हैं। तो क्या इन चीजों से हमें डरने की जरूरत है? साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि ऐसे अनुभव से डरने की कोई जरूरत नहीं है। यह एक आम घटना है जो कि ज्यादातर लोगों को महसूस होती है। वैज्ञानिक अभी भी इस पर खोज कर रहे हैं और इसका पक्का कारण ढूंढ रहे हैं। वह पता लगा रहे हैं कि हमारे दिमाग में ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसकी वजह से डेजा वू होता है। साइंटिस्ट का मानना है कि आने वाले कुछ ही सालों में इसका ठोस कारण भी ढूंढ लिया जाएगा। इसलिए अगर आपको भी डेजा वू महसूस होता है तो यह मत सोचिए कि आप अकेले ही इसे
महसूस करते हैं। आपके साथ कई सारे और भी लोग हैं जिनको ये चीज महसूस होती है। अगर आपको भी कभी डेजा वो हो जाए तो आप इससे बिल्कुल भी ना डरे। और अगर आपने डेजा वो एक्सपीरियंस किया है और वो इंसिडेंट हमारे साथ शेयर करना चाहते हो तो प्लीज कमेंट्स में जरूर शेयर करें। ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।